हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपको मेरी चैनल ऐसे से ऐसे तक। सुबह का टाइम था, अभी घर का काम तो करना ही है, तो मैं यहाँ कपड़े धो रही थी और इतना ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा था। दिल्ली का क्लाइमेट अभी काफ़ी मतलब ठंडी ठंडी है, तो देख ही सकते हो अभी सुबह का 11 बज रहा है, फिर भी कैसे क्लाइमेट है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और बिल्कुल बहुत ही ठंड लग रहा है। फिर भी काम तो करना ही है, घर का काम के बिना तो कोई गुजारा है नहीं, और एक दिन भी छोड़ देंगे तो घर का हालत तो पूरे बिगड़ ही जाता है। वैसे मैं पिछली बार आपको वीडियो शेयर की थी कि 2-3 दिन भी आप घर का अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं रखोगे, अच्छे से काम नहीं करोगे तो घर का हालत कैसा हो जाता है। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आप प्लीज़ वो वाला वीडियो भी ज़रूर देख लेना। वीडियो अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आज मैं कुछ शॉपिंग की थी ऑनलाइन से, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं ऐसे ही कुछ शॉपिंग की थी तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, आप अगर कुछ कम पैसे में कुछ अच्छा शॉपिंग करना चाहते हो, आपके लिए कुछ डेली वेयर में या कैजुअल वेयर में चाहिए, तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो मैं कुछ एजियो से और कुछ फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की हूँ, और मैं से पहले से बोलूँ कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। बिल्कुल मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग की थी और मेरी बेटी के लिए भी कुछ शॉपिंग की थी, मैं सोचा आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो और आपके साथ शेयर करूँ। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते मैं सारे ही, जैसे थोड़ा वेस्टर्न वेयर में ही है तो मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले वाला ये है कि ये एक प्लाजो है, ये एंकल लेंथ वाला प्लाजो है, तो आप देख ही सकते हो मैं थोड़ा जो पैरों के साइड में थोड़ा वाइडर है और काफ़ी अच्छा है। आप इसको बाहर भी पहन के जा सकते हो कैजुअल वेयर में, इसके साथ कोई भी अच्छा टॉप वेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक बेल्ट भी दिया हुआ है, इसके साथ साइड में पॉकेट भी है, तो ये बाहर पहनने के लिए भी अच्छा है, आप घर पे भी पहन सकते हो, आपको जैसा मन चाहिए। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं ये बाहर के कुछ अलग से टॉप इसके लिए ले लूँगी और बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ कुछ भी कैरी करने से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये येलो कलर का है। दूसरा है ये एक ड्रेसेस है, ये कॉटन की है और ये ना इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना सॉफ्ट है ना इसका कपड़ा। अभी जैसे 26 जान की सेल चल रहा था तो इसलिए मुझे काफ़ी बजट में ये सारे मिल रहा है, तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, शायद 500 तक, शायद 500 का ही है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही है। तो इसका जो ये स्लीव्स देख सकते हो, इसमें थोड़ा इलास्टिक है ताकि आपको हाथ में अच्छे से फिक्स होकर रहे। और ये हाई नेक का है और जैसे आपको थोड़ा मतलब फिटिंग करने के लिए यहाँ पे बेल्ट भी दिया हुआ है। और यहाँ पे ऐसे मतलब डिज़ाइन के लिए बटन भी दिया हुआ है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। आप इसको ना कुर्ता की स्टाइल में भी पहन सकते हो, आप लेगिंग नीचे लेगिंग्स कैरी करके भी आप कुर्ते की स्टाइल की तरह भी यूज कर सकते हो, या आप ड्रेसेस की तरह यूज कर सकते हो। जैसे मेरे लिए थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है तो मुझे लॉन्ग ड्रेसेस पसंद है तो मैं ये ली हूँ। अगर आपको शॉर्ट में भी चाहिए तो आप नीचे से थोड़ा सा कट भी कर सकते हो, थोड़ा सा या फोल्ड करके भी सिल सकते हो, तो काफ़ी अच्छा मतलब बजट में आपका ये ड्रेसेस तैयार हो जाएगा, नहीं तो आप कुर्ते की तरह भी यूज कर सकते हो। तीसरा ये एक स्वेट शर्ट है, ये ज़्यादा मतलब थोड़ा हेवी वाला स्वेट शर्ट नहीं है, तो बिल्कुल हल्के में है, जब ठंड मतलब कम ठंड में ना आप ये इसको पहन सकते हो, या आप बाहर जाने के लिए भी जीन्स के साथ भी यूज कर सकते हो, या आप कोई भी ट्राउजर के साथ भी यूज कर सकते हो, इसको काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे तो ये काफ़ी पसंद है, काफ़ी फेवरेट मतलब मेरा ये फेवरेट कलर भी है। और ये भी अंडर 200 का ही है, ज़्यादा नहीं है, शायद 170 या 179 का था ये। सारे में आप जितना भी दिखा रहे हो, जो भी जो मतलब जो भी बॉटम वेयर है सारे 200 के अंडर ही है, और बस सिर्फ वो ड्रेसेस थोड़ा सा 500 है। तो यहाँ पे और एक ये एक फुल वाला टी शर्ट ही है, फुल स्लीव्स का, और यहाँ पे एक बॉटम का डिज़ाइन दिया हुआ है। इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये आप जैसे हल्के हल्के बिल्कुल हल्की ठंडी जब होगा तब आप इसको कैरी कर सकते हो, क्योंकि अभी जैसे ज़्यादा ठंड में तो ये नहीं अच्छा था, नहीं तो इसके ऊपर आप कोई स्वेटर वगैरह ले सकते हो, ये ठंड के टाइम काफ़ी यूज में आएगा और बजट में भी आ रहा था, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं इसको परचेज की हूँ। आप सभी को इसमें से कौन सा वाला अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जितना भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
जैसे आप पहले से बोली हूँ, मैं आजियो से सारे चीज़ आजियो से ऑर्डर की हूँ, और कुछ एक दो शायद फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की हूँ, बाकी सारे जितना भी की हूँ आजियो से। आप सेल के टाइम ज़रूर आप थोड़ा एक बार कोशिश करना, थोड़ा विजिट करने की, देखना बहुत कम रेट में आपको आजियो में ये सारे जो कैजुअल वेयर हो ना, डेली वेयर वाला चीज़ सारे मिल जाएगा। ये कि मेरी बेटी के लिए लेगिंग्स मंगाई थी, और ये भी जैसे मैं बोली सारे जितने भी बॉटम वेयर है सारे अंडर 200 है, तो ये भी क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है और फ्लावर प्रिंटेड का है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये भी मेरी बेटी के लिए है, और ये 12 से 13 ईयर्स की मतलब गर्ल्स के लिए है, और ये भी वैसे ट्राउज़र टाइप का ही है। अब ये काफ़ी सॉफ्ट है, आप इसको मतलब विंटर में भी कैरी कर सकते हो, आप समर में भी पहन सकते हो, समर में भी और भी अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत हल्का क्वालिटी का है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये स्टाइलिश भी है और आपका बजट में भी आ रहा है। ये थोड़ा जैसे पैरों की साइड में थोड़ा नेरो टाइप का है और पॉकेट भी है इसमें, और बजट में आपकी बेटी के लिए कुछ आप ट्राउज़र ढूंढ रहे हो तो ये आप ले सकते हो। इसके साथ आप स्टाइलिश टॉप वगैरह कैरी करोगे तो यही आपका स्टाइलिश बन के तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये एक कैप्री है घर पे पहनने के लिए, ये मेरे लिए है, ये भी और एक कैप्री है, ये भी मेरे लिए ही है घर के लिए। आप जैसे समर आ रहा है तो ये सारे पहनने के लिए घर पे अच्छा से आएगा, मतलब काम में आएगा, तो इसीलिए मैं सारे अभी से ही इसको ख़रीद ली हूँ। और ये एक फुल वाला ट्राउज़र है, तो इसको जैसे अभी घर पे पहनने के लिए सर्दी के टाइम थोड़ा सा हल्का हल्का जब विंटर होता है ना तभी के टाइम ये काम में आएगा। काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, तो आप सारे इसमें आप जब भी आप आजियो पे थोड़ा विजिट करोगे तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। और ये तो वैसे मतलब मेंस वेयर है, ये मेरे हस्बैंड के लिए एक जीन्स ली थी, बस बस हो गया, इतना ही मैं शॉपिंग की थी। आशा करती हूँ फ्रेंड जितना भी मैं आपसे शेयर करूँ आप सभी को पसंद आ रहा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।